अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं किस तरह से आप लोग अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर एक 3D फ्लिप बुक सेटअप कर सकते हैं। अक्सर वेबसाइट्स के अंदर आपने देखा होगा कि PDF जो है वो एक बुक की फॉर्म में नज़र आ रही होती है और आप मैन्युअली पेजेस चेंज कर रहे होते हैं, राइट, एक 3D स्टाइल के अंदर। तो ये चीज़ें किस तरह से आप अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए सेटअप कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर, इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें करके दिखाने वाला हूं। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और सिंपल आप लोगों ने आना है डैशबोर्ड के अंदर, प्लगइन्स, ऐड न्यू प्लगइन, और यहाँ पर हमने एक प्लगइन सर्च करना है जिसका नाम है रियल 3D फ्लिप बुक लाइट। सिंपल ये प्लगइन आप लोगों ने सर्च करना है, इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट करना है। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर चुका हूँ और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास वो विजिट शो हो रहा है, राइट, वो विजिट शो हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये सेटअप किया हुआ है बट मैं इसको ट्रैश में डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को स्टार्ट से करके दिखाऊँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। तो सिंपल मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ। ओके, ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जो भी आपका PDF है उसका नाम दे सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपनी बुक का नाम और यहाँ से मुझे वो PDF सेलेक्ट करनी है जो कि मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अपलोड नहीं की हुई तो सिंपल यहाँ से आप अपना PDF अपलोड कर लें। तो सिंपल यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें, इसको मुझे जनरली बस सेलेक्ट करना है और इसको मुझे क्या कर देना है, पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा तो ये सारे पेजेस जो हैं उस फ्लिप बुक के अंदर हमारे पास आ चुके हैं और मैंने इसको पब्लिश कर दिया। अब ये पब्लिश हो रहा है। ओके, ये पब्लिश हो चुका है सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है जनरल टैब के अंदर और ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको प्रो वर्जन के अंदर मिलेंगी जो कि अभी मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। तो सिंपल हम जनरल के अंदर जाते हैं और यहाँ पे देखें काफ़ी सारी सेटिंग्स हमारे पास मौजूद हैं जिसके अंदर काफ़ी यूज़फुल जो सेटिंग्स हैं वो भी मौजूद हैं। यहाँ पे देखें व्यू मोड, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। इनिशियल जूम कितना हो, ये सारी चीज़ें आप सेटअप कर सकते हैं। उसके अलावा डबल क्लिक पे जूम हो ना हो, क्या हो क्या ना हो, फ्लिप ड्यूरेशन कितना टाइम ले, एक सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। पेज फ्लिप, ठीक है, इनेबल्ड, और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बैकग्राउंड पे 3D म्यूज़िक लगा सकते हैं बैकग्राउंड के ऊपर, जब भी कोई यूज़र उसको यूज़ कर रहा हो, उस बुक को पढ़ रहा हो, फ्लिप कर रहा हो, तो बैकग्राउंड पे आप कोई भी म्यूज़िक चाहे तो वो लगा सकते हैं, राइट। तो इसके अलावा और काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, PDF पेज साइज, स्मॉल हो, क्या हो, तो ये सारी सेटिंग्स को आप मज़ीद देख सकते हैं। अच्छा, मैंने अब वो जो PDF वो पब्लिश कर चुका हूँ, उसके बाद मुझे क्या करना है, वापस यहाँ पे क्लिक करना है, फ्लिप बुक्स में के अंदर जाना है। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक पब्लिश कर चुका हूँ और यहाँ पे आपको एक शॉर्ट कोड नज़र आ रहा होगा। सिंपल मैं शॉर्ट कोड को कॉपी करता हूँ और जहाँ पे भी आपको एक फ्लिप बुक शो करवानी इस वाली PDF की, तो क्या करना है, आपने वहाँ पे वो शॉर्ट कोड पेस्ट कर देना है। अब मैं क्योंकि एलिमेंटर में मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट कोड लूँगा, ठीक है, और इसको यहाँ पे ड्रैग करके वो शॉर्ट कोड यहाँ पे शो करवा दूंगा। किसी भी पोस्ट के अंदर आपको शो करवाना है, सिंपल आप में पोस्ट में जाके ये वाला शॉर्ट कोड पेस्ट कर देना और वहाँ पे ये फ्लिप बुक नज़र आ जाएगी। अब मैं इसको ज़रा अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद इसको मैं फ्रंट एंड के ऊपर देखता हूँ कि किस तरह से ये शो हो रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको फ्रंट एंड के ऊपर आया और बॉटम में आ गया और यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो हमारी फ्लिप बुक है वो लोड हो रही है। तो ये सारी वेबसाइट हमने एलिमेंट एस्ट्रा प्रो से बनाई है। अगर आपको एस्ट्रा प्रो अपनी वेबसाइट के ऊपर लाइसेंस वर्जन एक्टिवेट करवाना है, इंस्टाग्राम के ऊपर आके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंतहाई मुनासिब प्राइस के अंदर आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर एस्ट्रा प्रीमियम एक्टिवेट करके दे दिया जाएगा लाइफ टाइम अपडेट्स के साथ। तो यहाँ पे ये हमारे पास PDF आ चुकी है। अब यहाँ पे देखें ये कंप्लीट बुक वाला एक्सपीरियंस देगी। मैं इसको यहाँ से देखें इस तरह से तो ये सेटअप हो जाएगा, राइट। तो सारी चीज़ें इस तरह से शो हो रही हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से आप एक 3D फ्लिप बुक अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट में, पेजेस में, कहीं पे भी शो करवा सकते हैं। तो किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूंगा। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम के ऊपर आके डायरेक्ट मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूंगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफ़िज़।